पुणे में बेहद जरूरी सेवाओं और उससे संबंधित दुकानें, अस्पताल, मेडिकल, मेडिकल इंश्योरेंस ऑफिस, फार्मास्यूटिकल कंपनी, सब्जी मंडी, किराना दुकान, सब्जी फल की दुकानें, डेयरी, बेकरी, स्वीट मार्ट, बस, कैब, रिक्शा, रेलवे स्टेशन, ट्रांसपोर्ट, ई कॉमर्स, आईटी सेवा, अखबार की ऑफिस और पेट्रोल पंप को खुला रखा गया है। सभी प्राइवेट ऑफिस को अपने सभी कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन देने या हर 15 दिन में आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की शर्त पर सप्ताह भर सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुला रखने की अनुमति दी गई है। लेकिन इस अचानक लिए गए फैसले से व्यापारी परेशान हैं। उन्होंने इस नियम के विरोध में आज जगह जगह प्रदर्शन किया। साथ ही राज्य सरकार ने वेक इन लॉक दबो का फैसला लिए है, जिसका भाजपा पार्टी विरोध कर रही है। पुणे शहर में आज असहकार आंदोलन किया गया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा वेक इन लॉकडाउन और शहर में दुकानें बंद रखने के फैसले का विरोध किया गया। सरकार ने लोगों को फंसाया है, उनके व्यापार ठीक से कैसे चलेंगे, सवाल उपस्थित कर सरकार पर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीएसएस न्यूज़, पुणे।